कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा आया, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये भूल जाते हैं शहरों में रहने वाले लोग कि हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे, वो भूल जाते हैं इस बात को कि गाँव में अगर बलात्कार हो रहा है तो उससे हमारा लेना देना क्या, वो भूल जाते हैं कि जब रिजर्वेशन की लड़ाई हो रही है तो उस रिजर्वेशन की लड़ाई में उन्हें भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है। यहां भारत के राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया था और सिटिंग आईएएस आईपीएस को जेल में ये लोग डाल देते हैं। जागरूकता का मतलब अगर आप ये कहते हैं कि 14 अप्रैल की जयंती बनानी है और बसपा की सरकार नहीं बनानी, तो हमें ऐसी जागरूकता नहीं चाहिए। जागरूकता का मतलब ही सरकार है, जागरूकता का मतलब यह है कि आपके प्रतिनिधित्व सरकार में बैठे रहे, जागरूकता का मतलब राजनीतिक जागरूकता भी है। जागरूकता का मतलब केवल यह नहीं है कि हमें सिर्फ 14 अप्रैल की जयंती को सेलिब्रेट करना है या भगवान बुद्ध के बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करना। जागरूकता का पहला नियम है कि आपको सरकार बनानी पड़ेगी, कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ द प्रोग्रेस। कि महाराष्ट्र के अंदर सामाजिक आंदोलन बहुत मजबूत है, वहां हर व्यक्ति बुद्धिस्ट है, हर व्यक्ति अंबेडकराइट है। क्या वहां पर अत्याचार नहीं होते? वहां अत्याचार होते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो एक नहीं है। खेलान जी जैसे वहां पर अत्याचार हुए, अगर आप उस बात को कहते हैं कि हम पलायन कर रहे हैं, पलायन का पोस्टर लगा रहे हैं, अरे भाई एक बात बताइए कि अगर दूसरी जगह पर आप पे अत्याचार होगा, फिर वहां से कहां जाएंगे आप? कि जहां भी अत्याचार हो वहां से पलायन कर जाओ? तो दलित समाज, शेड्यूल कास्ट समाज इतना कमजोर नहीं है कि अत्याचार सहने के बाद उस जगह को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। देखिए जी, अलीगढ़ में आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अत्याचार की जब बात होती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जुल्म करने से, जुल्म सहने वाला ज़्यादा जो है मुलजिम होता है। तो जो जुल्म सह रहे हैं उसकी परिभाषा में गांव और शहर फिट नहीं बैठता। अब जब आप बात कर रहे हैं अलीगढ़ की जिस सोसाइटी की, अब आप ये देखिए कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे उसमें मैं ही शामिल क्यों ना हूँ, ये सोचते हैं कि इनका जो मिशन मूवमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि 14 अप्रैल की जयंती मनाना है या बुद्ध पूर्णिमा मनानी है। वो भूल जाते हैं कि जब दूसरे पर अत्याचार होता है तो तब वो घरों से बाहर नहीं निकलते, और वो भूल जाते हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा आया, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये भूल जाते हैं शहरों में रहने वाले लोग कि हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे, वो भूल जाते हैं इस बात को कि गाँव में अगर बलात्कार हो रहा है तो उससे हमारा लेना देना क्या, वो भूल जाते हैं कि जब रिजर्वेशन की लड़ाई हो रही है तो उस रिजर्वेशन की लड़ाई में उन्हें भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है। परंतु जब अत्याचार हो गया तो अत्याचार का जो मुद्दा है वो क्या है कि उन्होंने 14 अप्रैल की और बुद्ध पूर्णिमा की जयंती नहीं मनाने दी। अच्छा, आपका मिशन मूवमेंट सिर्फ यही तक सीमित हो गया कि 14 अप्रैल की जयंती बनानी, उन्होंने नहीं बनाने दी। अरे अगर उन्होंने नहीं बनाने दी तो आप कानूनी प्रक्रिया आपने क्या की? क्या जब आप बात करते हैं कि उन्होंने बनाने नहीं दी और आपने बनने नहीं दी, आपने क्या एक्शन का रिएक्शन किया? अब जब आप इसको कहते हैं कि अत्याचार है और हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहा था, बात का कोई भी समस्या का समाधान नहीं है कि आप घर छोड़ कर चले जाए, इससे अत्याचार जो है वो खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप कहते हो कि शहरों में भी अत्याचार होने लगे, तो भैया भारत एक ऐसी जगह है जहाँ शहर और गाँवों में अत्याचार के मामले में कोई अंतर नहीं है। इवन मैं बता रहा हूं कि दिल्ली जैसे राज्यों में भी अत्याचार होते हैं। सर आपने कहा प्रशासन या कानूनी कार्रवाई क्या की, वो तो कह रहे हैं कि हमने परमिशन मांगी थी प्रशासन से, परमिशन ही नहीं दी हमको, अगर हम मनाने गए पार्क में तो उन्होंने वहां पानी भर दिया। देखिए, कोई भी संवैधानिक कार्य करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 14 अप्रैल का जन्मदिवस मना रहे हैं तो उसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और इसी प्रकार बुद्ध पूर्णिमा के लिए भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप पुलिस वालों से पूछिए कि कितनी जागरण की परमिशन वो देते हैं, कितनी पूजा की परमिशन वो देते हैं, और कितनी जो है गांधी जयंती बनाने की, वल्लभ भाई पटेल जयंती बनाने की, सुभाष चंद्र बोस जयंती बनाने की, विवेकानंद जयंती बनाने की कितनी परमिशन पुलिस से ली जाती है, क्योंकि
उन्हें पता है ये उनका मूलभूत अधिकार है और मौलिक अधिकार है। और जब आप परमिशन लेने जाते हो, सरकार अगर डिक्लाइन कर देती है, कोई आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, जो परमिशन है, जो 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 ये संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है और इसके ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनके आधार पर आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप ये कहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम करने के प्रशासन ने जो है उसकी परमिशन नहीं दी, तो क्या आपके पास कोर्ट नहीं है? क्या आपके पास न्यायालय नहीं है? क्या आपके पास उस डिक्लाइन ऑफ परमिशन की परमिशन के लिए या अपील के लिए कोई दूसरे फोरम नहीं है? दुनिया भर के लीगल रिकॉर्सेज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आप जन्मदिवस मना रहे हो और उसमें इस प्रकार का कोई भी काम होता है, सॉरी, तो उसके अंदर SC/ST एक्ट की सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ZC और सेक्शन Z के अंदर में FIR दर्ज हो सकती है। क्योंकि ये केवल यहाँ सवाल केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती बनाने का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों को जब उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी तो आपने उसके बाद क्या किया, यह सवाल है। लेकिन सर जब इतने मजबूत लोग जो गाड़ी घोड़े से जिनके पास करोड़ों का वहाँ घर बना हुआ उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो जो लोग गरीब हैं दबे कुचले उनका क्या होगा? देखिए अगर आप उन्हें मजबूत मानते हो तो आपको अपने जो जो तथ्य हैं उन्हें आप सुधार लीजिए। यहाँ तो भारत के राष्ट्रपति तक को मंदिर में घुसने नहीं दिया था, यहाँ भारत के राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, और सिटिंग IAS IPS को जेल में ये लोग डाल देते हैं। और रही बात अगर आप चार दीवारें बनाने को अगर आप ये सोचते हैं मजबूत हैं, गाड़ी लेने को मजबूत है, तो जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हो या जिस समाज का आप प्रतिबिंब हो, वो पूरा समाज मजबूत जब होगा तभी आपकी मजबूती मानी जाएगी, अदरवाइज आप मजबूत नहीं माने जाएंगे। आप कहते हैं कि चलो ठीक है आप पैसे से मजबूत हैं, अगर आप पैसे से मजबूत हैं तो आपने कितने एडवोकेट इस लड़ाई को लड़ने के लिए हायर किए, ये बताइए, कितने मुकदमे आपने कोर्ट में दर्ज किए, कितना आपने हाई कोर्ट का अप्रोच किया, कितना सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो गया और अब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने के लिए आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई को लड़ने के बाद जो जो जितने रिसोर्सेज हैं, आप कह रहे थे कि भाई वो इतने साधन संपन्न लोग हैं, तो साधन संपन्न लोग हैं तो मुझे बताइए कि साधन संपन्न लोगों के परिवार में से वो साधन संपन्न लोगों में ने कितने धरने प्रदर्शन किए हैं इस डिक्लाइन परमिशन डिक्लाइन होने के बाद, कितना SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज किए हैं। अगर पुलिस नहीं दर्ज करती तो आपने 156(3) क्यों नहीं लगाई, स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं गए, आपने ज्ञापन क्यों नहीं दिया, क्या ये चीजें हुई? ये चीजें नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आप जागरूक हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब साहब जब कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो उनके कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि आप जो है PhD करो, समाज की लड़ाई ना लड़ो। शिक्षित होने का मतलब है, शिक्षित होने का मतलब है जागरूक होना। हमारे पुरखे जो हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो, पर वो जागरूक बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने हर जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगवा दी, बुद्ध विहार बनवा दिए, अंबेडकर धर्मशाला बनवा दी। और आज जब लड़ाई लड़ने की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। पर सर ये तो जागरूक लोग थे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, बाबा साहब की बात देखिए, अगर वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी पाने को जागरूकता मानते हैं, उस सरकारी नौकरी एकमात्र क्राइटेरिया आप मानते हैं कि जिसे जागरूक होने के लिए, तो आप तो पूरे समाज पे उंगली नहीं उठा पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ चार बार बहन कुमारी मायावती जी के शासन में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, और उस वक्त शासन के अंदर कोई इस प्रकार की अगर एक भी शिकायत आई हो तो हमें बताइए। जागरूकता का मतलब अगर आप ये कहते हैं कि 14 अप्रैल की जयंती बनानी है और बसपा की सरकार नहीं बनानी, तो हमें ऐसी जागरूकता नहीं चाहिए। जागरूकता का सरकार भी बनानी पड़ेगी। जागरूकता का मतलब ही सरकार है। जागरूकता का मतलब यह है कि आपके प्रतिनिधित्व सरकार में बैठे रहे। जागरूकता का मतलब राजनीतिक जागरूकता भी है। जागरूकता का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें सिर्फ 14 अप्रैल की जयंती को सेलिब्रेट करना है या भगवान बुद्ध के बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करना। जागरूकता का पहला नियम है कि आपको सरकार बनानी पड़ेगी, कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन
ओपन एनी डोर ऑफ द प्रोग्रेस। जब बाबा साहब इस बात को कहते हैं तो आपको जब तक आप अपनी राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक एक रूपता दुनिया में नहीं दिखाएंगे तब तक आपको जागरूक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सामाजिक आंदोलन को तो मजबूत कर रहे हैं ना वो। देखिए सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर सामाजिक आंदोलन बहुत मजबूत है। वहाँ हर व्यक्ति बुद्धिस्ट है, हर व्यक्ति अंबेडकराइट है। क्या वहाँ पर अत्याचार नहीं होते? वहाँ अत्याचार होते हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से वो एक नहीं है। खेलान जी जैसे वहाँ पर अत्याचार हुए, परंतु आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ बहुजन समाज या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पर बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में इस प्रकार का कोई भी अत्याचार हुआ हो? एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसे घोड़ी से उतारा गया हो, एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसे मूछों के कान मारा गया हो, एक भी व्यक्ति बता दीजिए कि 14 अप्रैल की जो परमिशन है वो डिक्लाइन हुई हो। अब वो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने ही एक लॉ लेके आए थे, कानून, कि आपको मूर्ति लगाने से पहले शासन प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो इसलिए लाए गए थे ताकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी हो कि उस मूर्ति का रखरखाव करे, उस जगह का रखरखाव करे, तो इसलिए परमिशन जरूरी थी। और आज जब आप कहते हैं कि जागरूकता का मतलब राजनीतिक जागरूकता, बिल्कुल सामाजिक रूप से पूरे भारत में हमारे लोग जागरूक हैं, परंतु राजनीतिक रूप से आप जागरूकता का जब आप बात करेंगे तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। क्या यही सॉल्यूशन है, पलायन करना, घर छोड़ देना और बिकाऊ मकान लिख देना, पोस्टर लिख? देखिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कायरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी कहते थे कि हमें जो है जो शेरों की टीम बनानी है, हमें लड़ाई लड़नी है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर आप उस बात को कहते हैं कि हम पलायन कर रहे हैं और पलायन का पोस्टर लगा रहे हैं, अरे भाई एक बात बताइए कि अगर दूसरी जगह पर आप पे अत्याचार होगा फिर वहां से कहां जाएंगे आप? आपकी जो लड़ाई है ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, सामाजिक लड़ाई है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का मकान बेच सकते हैं तो आप 10-20-50 हजार रुपए अपने और अपने समाज के स्वाभिमान और मान स्वाभिमान के लिए कोर्ट में जाकर लड़ाई भी लड़ सकते हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां भी अत्याचार हो वहां से पलायन कर जाओ, तो दलित समाज, शेड्यूल कास्ट समाज इतना कमजोर नहीं है कि अत्याचार सहने के बाद उस जगह को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। और पलायन की जहां तक बात है और आप कहते हो कि भाई पलायन इस बात का सोल्यूशन है, तो हो सकता है आप अपनी नौकरी के कारण, आपकी नौकरी आपके मान स्वाभिमान और समाज की इज्जत से बड़ी हो तो आप पलायन कर सकते हैं, परंतु अगर ये समाज की लड़ाई है और पूरे आप चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ना, तो अच्छे से अच्छे आप इस मामले की पैरवी कीजिए, हाई को आप SC ST के मुकदमे दर्ज करवाइए, अगर वहां स्पेशल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका समाज आपके साथ खड़ा है, परंतु पलायन करना कोई भी समझदारी नहीं है।